हेलो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर कोर जावा प्रोग्रामिंग के इस सर्टिफिकेशन कोर्स में जहां पर हम आज देखने वाले हैं मल्टी थ्रेडिंग इंप्लीमेंटेशन कॉन्सेप्ट अभी हमने समझा मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है टाइप्स ऑफ थ्रेड्स क्या होते हैं ये हमने समझा मल्टीटास्ककिंग और मल्टी थ्रेडिंग में क्या डिफरेंस होता है प्रोसेस बेस्ड मल्टी टास्किंग थ्रेड बेस्ड मल्टी टास्किंग इन सारे कॉन्सेप्ट को हमने समझा मैंने आपको बताया था मेन इन जावा इज अ थ्रेड ओके और एक एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको मल्टी थ्रेडिंग एक्सप्लेन किया था लेकिन जैसा मैंने आपको पहले भी कहा है कि मल्टी थ्रेडिंग ज वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर इंटरव्यू रूम राइट तो यदि आप प्लेसमेंट रेडी होना चाहते हैं यदि आपको लगता है कि आपको प्लेसमेंट के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है उनके असाइनमेंट क्विजेस को देखना है तो आप बिल्कुल बिंदास एक बार टेक विद्वान पे हमारा जो प्लेसमेंट रेडी कोर्स है आप उसको देखिए मल्टी थ्रेडिंग वहां पर ऑलमोस्ट मैंने

इसको बहुत ध्यान से समझिएगा कि यहां पर हम एक एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं ठीक क्लास टेस्ट थ्रेड और इस क्लास थ्रेड थ्रेड टेस्ट में हमने यहां पर लिखा पब्लिक ओके एंड दिस इज स्ट्रिंग है ना अब एक एक करके पहले आप देखिए अगर हम बोलते हैं मेन इन जावा इज अ थ्रेड ओके तो सर मुझे यह पता करना है कि इस थ्रेड का नाम क्या है व्हाट इज द नेम ऑफ दिस थ्रेड क्या अगर आप बोल रहे हैं मेन जावा में थ्रेड है तो मेन का डिफॉल्ट नेम क्या होगा राइट right, तो अब देखिए ये जो तो थ्रेड नाम की क्लास है इसमें देर इज मेथड कॉल थ्रेड डॉट करेंट थ्रेड ठीक है थ्रेड डॉट करेंट थ्रेड ठीक है डॉट गेट नेम जब भी आपको यह पता करना है एक्चुअली करेंट थ्रेड आपको रिटर्न करता है ऑब्जेक्ट ऑफ द करेंट थ्रेड इन नेम इज अ मैथड जिससे आप थ्रेड का नाम पता कर सकते हैं राइट तो यदि मान लीजिए मैं लिखता हूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल इन थ्रेड डॉट करेंट थ्रेड डॉट गेट नेम एंड लेट सी वॉट द आउटपुट अल गेट ईयर मुझे इसका आउटपुट क्या मिलेगा ठीक है मेन का डिफॉल्ट नाम जो होगा वो देखिए क्या है मेन थ्रेड ओके तो लेकिन क्या हम मेन का नाम चेंज कर सकते हैं मान लीजिए अगर मैंने यहां पर लिखा थ्रेड डॉट करेंट थ्रेड डॉट सेट नेम है ना देर इज अ मैथड कॉल सेट नेम मैथड गेट नेम की बजाय देर इज अ मैथड कॉल सेट नेम ओके जिससे हम किसी भी थ्रेड का नाम चेंज कर सकते हैं तो मान लीजिए मैंने इसका नाम रख दिया माई थ्रेड ठीक मतलब ये एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा कि बॉस मेन इन जावा इज अ ओके आप देखिए अब मैंने इसका नाम चेंज किया हुआ है ठीक तो see, तो सी exactly ये ये देखिए मेन एंड देन आई गेट द नेम माय थ्रेड एग्जैक्टली है कि जो थ्रेड आपकी करंट है वो आपकी मेन थ्रेड है अब आप देखिए मेन मैंने आपको बोला था मेन इन जावा इज अ पेरेंट थ्रेड ओके तो अगर ये पेरेंट थ्रेड है तो वो क्यों है क्योंकि आप याद करिए लाइफ साइकिल ऑफ अ थ्रेड सबसे पहले न्यू बोर्न स्टेट फिर रनेबल स्टेट फिर रनिंग स्टेट फिर हॉल्ट स्टेट फिर डेड स्टेट लेकिन इन सब में सबसे पहले रनिंग में जो आती है वो आपकी मेन थ्रेड होती है इसीलिए मेन को हम बोलते हैं इट इज अ थ्रेड क्योंकि बाकी जितनी भी थ्रेड होती हैं वो मेन के अंडर में अपना एग्जीक्यूशन परफॉर्म करती हैं तो अब देखिए अब मैं यहां पर अपनी एक थ्रेड बनाता हूं मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं मान लीजिए यहां पर मैंने अपनी थ्रेड बनाई है थ्रेड के नाम से ठीक है इस क्लास थ्रेड में हमने सिंपल uh, एक मैथड ली है मतलब मैंने इसको एक्सटेंड कर लिया थ्रेड क्लास से मैंने आपको बताया था दो ऑप्शन थ्रेड क्रिएशन के ठीक है कि थ्रेड क्रिएशन में हम या तो इंप्लीमेंट करेंगे रन मेथड को रनेबल इंटरफेस के साथ या हम इंप्लीमेंट करेंगे रन एक्सटेंड करेंगे थ्रेड क्लास के साथ एंड ओवर द रन मेथड तो दो ऑप्शन है हमारे पास यहां पर हमने रन मेथड को ओवर किया है थ्रेड क्लास से एक्सटेंड करके और यहां पर आप देखिए मैंने सिंपली थ्रेड क्लास का कोड लिखा हुआ है इंटीजर आई इक्वल्स टू वन आई देन और इक्वल टू टेन and and i i right and simply I'll I'll just print here system .out .println and I'll print here this value I. okay thread second तो sleep 1000 लेकिन याद कहा था कि हर वो मेथड जो आपकी थ्रेड को रनिंग से हॉल्ट मोड में लेके जाएगी हॉल्ट से रनेबल में लेके आएगी इट थ्रोजाइट टाइम एक्सेप्शन interrupted एक्सेप्शन ठीक है मतलब स्लिप वो मेथड है जो आपकी थ्रेड को रनिंग से हॉल्ट मोड में लेके जा रही है तो ये थ्रो करेगी कंपाइल टाइम एक्सेप्शन देखिए दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन कि एक्सेप्शन थ्रो द मूव योर थ्रेड फ्रॉम रनिंग मोड टू हॉल्ट मोड कि कोई भी थ्रेड अगर रनिंग से हॉल्ट में जाती है तो वो कौन सा एक्सेप्शन थ्रो करती है विच टाइप ऑफ कंपाइल टाइम एक्सेप्शन इट थ्रोज इज इंटरप्टेड एक्सेप्शन राइट तो अब आप देखिए यदि इस मैथड से इंटरप्टेड एक्सेप्शन आएगा और अगर मैंने ट्रैक नहीं लिखा तो आप देखिए क्या होगा यहां पे देखिए यू विल गेट अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन इंटरप्टेड एक्सेप्शन राइट तो इसका मतलब यह है कि मुझे इस एक्सेप्शन को यहां पे मैनेज करना है तो हमने हमने क्या लिखा ट्राई ट्राई और इस try को क्लोज किया यहां पे एंड देन कैच और इस कैच में हमने लिख दिया इंटरप्टेड एक्सेप्शन ई ठीक है और फिर हमने यहां लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ई आई होप आप समझ पा रहे हैं ठीक है अब आपकी थ्रेड अब आप देखिए अभी आपकी थ्रेड आपने बनाई है तो मैंने यहां पर एक मैसेज भी दे दिया चलिए रन मेथड अगर शुरू होगी तो मैं चाहता हूं एक मैसेज मुझे माय थ्रेड स्टार्ट ओके अब ये मैसेज से मुझे ये तो पता चल जाएगा कि मेरी थ्रेड स्टार्ट हुई है और मैंने मेन में भी ये मैसेज दिया मेन थ्रेड स्टार्ट आप देखिए समझिए यहां पर मैंने मैसेज दिया मेन थ्रेड स्टार्ट तो आप देखिए दो थ्रेड है अब आपके पास एक है मेन थ्रेड और एक है माई थ्रेड ठीक लेकिन मैंने आपको क्या बताया था कि मेन थ्रेड के अंडर में माइ थ्रेड एग्जीक्यूशन परफॉर्म करती है एग्जीक्यूशन परफॉर्म करेगी लेकिन यदि आप देखिए इसको रन में करूंगा आई डू नॉट गेट एनी मैसेज ऑफ द माई थ्रेड वो इसलिए क्योंकि आपकी मेन थ्रेड ने एग्जीक्यूशन शुरू किया मेन थ्रेड ने अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर दिया माई थ्रेड अभी पिक्चर में ही नहीं है क्यों क्योंकि वो केवल न्यूबोर्न स्टेट में है अब उसको मुझे रनेबल में लाना है तो थ्रेड को रनेबल में लाने के लिए मुझे यहां पर ऑब्जेक्ट बनाना है थ्रेड थ्रेड ठीक है ये मैंने माई को ऑब्जेक्ट बनाया इन मेथड आई नीड टू कॉल स्टार्ट तो स्टार्ट वो मैथड है जो आपकी थ्रेड को कहा मूव करेगी रनेबल में लेकिन अब इसका एग्जीक्यूशन कब होगा जब मेन रुकेगा क्योंकि मैंने आपको कहा था मेन जब अपने क्लोजिंग ब्रैकेट पे आता है तो वो वेट करता है कि बॉस क्या कोई थ्रेड बची है अगर बची है तो वो उन थ्रेड को किस मोड में चलाना शुरू कर देगा ज्वाइन मोड में याद करिए मैंने कहा था और ये कहलाता है इंप्लिसिड ज्वाइन मोड दिस इज बेसिकली कॉल्ड एन इंप्लीसिड ज्वाइन मोड राइट तो अब देखिए अब क्या होगा अब आपको मैसेज मिलेगा मेन थ्रेड स्टार्ट देन माइ थ्रेड स्टार्ट और ये माई थ्रेड का एग्जीक्यूशन चलेगा तो इसका मतलब मेन अभी वेट कर रहा है लेकिन मेन अभी वेट कर रहा है डिफॉल्ट ज्वाइन मोड के कारण मतलब आपकी जो माई थ्रेड है वो चल रही है ज्वाइन मोड में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है एक्सप्लिसिट मोड और मोड में क्या डिफरेंस है ये जो एग्जांपल मैंने आपको भी दिया है ये एक्सप्लिसिट यह मोड का है कहने का मतलब यह है कि आपकी जो थ्रेड है वो ज्वाइन मोड में चल रही है और मेन वेट कर रहा है लेकिन आप देखिए यहां पर अगर बाय चांस मैंने मेन थ्रेड को स्टार्ट किया अब मैंने यहां पर मैसेज दिया मेन थ्रेड एंड main thread ends right अब सुनना ध्यान से राइट right? और ऐसे ही मैंने main thread को स्टार्ट किया और यहां पर मैंने मैसेज दिया main thread end तो आप समझने की कोशिश करिए कि आपको मैसेज की सीक्वेंस स्टार्ट और एंड वाली क्या मिलना चाहिए स्टार्ट और एंड वाली सीक्वेंस मुझे ये मिलना चाहिए main thread start main thread start main thread end देन main thread end क्योंकि मेन हमेशा अपना एग्जीक्यूशन सबसे लास्ट में कंप्लीट करेगा लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा उसका रीजन आप समझिए देखिए अब क्या होगा यहां पे मेन थ्रेड स्टार्ट आपको मैसेज मिलेगा ठीक है मेन थ्रेड एंड एंड देन माई थ्रेड स्टार्ट तो क्वेश्चन यह है कि सर अगर मेन खत्म हो गई तो माई थ्रेड चल कैसे रही है क्योंकि माई थ्रेड को तो चलना ही नहीं चाहिए ना लेकिन माय थ्रेड इसलिए चल रहा है क्योंकि मेन अभी फिनिश हुआ ही नहीं है मेन ने केवल यह मैसेज प्रिंट किया है और वो इसलिए क्योंकि मेन ने ज्वाइंट मोड में एम वन को चलाया है जब आपका मेन इस क्लोजिंग ब्रैकेट पे आया है ये ज्वाइन मोड का मतलब ये है कि मेन को रुकना है जब तक एम वन अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट ना कर ले समझो इस बात को राइट right? लेकिन अगर मैं चाहता हूं है यहाँ पे? अब आपका प्रोग्राम जस्ट मोमेंट अच्छा अगर मैंने ज्वाइन लिखा है मतलब फिर वही मुझे यहां पर एक्सेप्शन मैनेज करना है तो यहां पर हमने वही लिखा थ्रो इंटरप्टेड एक्सेप्शन

and then we thread it this is called explicit join mode ये कहलाता है एक्सप्लिसिट जॉइन मोड अब देखिए आप यहां पर कुछ और भी मेथड है जिनके बारे में अपन अब डिस्कस करते हैं यहां पे तो स्टार्ट मेथड तो मैंने आपको बताया लेकिन अभी मैं थ्रेड को स्टार्ट नहीं कर रहा हूं ठीक है अभी मैं चाहता हूं कि मुझे जो थ्रेड का नाम चेंज करना है राइट या मुझे ये देखना है कि मेरी थ्रेड का भी करंट नेम क्या है तो एक-एक करके अब हम यहां पे थ्रेड क्लास की

सुनिए ध्यान से मैं बोल रहा हूं आपसे यार इंटरव्यू के इतने क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं व्हाट इज द डिफॉल्ट नेम ऑफ अ थ्रेड ये देखिए आप ये क्वेश्चन बनता है व्हाट इज द डिफ़ॉल्ट नेम ऑफ द मेन थ्रेड ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन बनता है और इससे बहुत सारे एम्पल्स ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चन सीरीज में आपको हमारे प्लेसमेंट रेडी कोर्स में मिलने वाले हैं मतलब मैंने आपको कहा ना ऑलमोस्ट 15 प्लस वीडियोस मैंने वहां पर बनाए हैं केवल और केवल एक्सेप्शन हैंडलिंग को समझने के लिए क्योंकि इंटरव्यू रूम का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्सेप्शन हैंडलिंग कलेक्शन आपका मल्टी थ्रेडिंग तो मल्टी थ्रेडिंग के ऑलमोस्ट 15 प्लस वीडियो मैंने शायद एक्सेप्शन एक्सेप्शनिंग कह दिया है ऑलमोस्ट फिफ्टीन प्लस वीडियो आपको मिलेंगे मल्टी थ्रेडिंग को लेकर तो मल्टी थ्रेडिंग का आई होप आप समझ रहे हो यार अब देखिए ऐसे ही मैंने बोला कि मैंने इसका नाम चेंज कर दिया तो मैंने क्या लिखा इज अ मैथड कॉल सेटनेम मैथड से हम किसी भी थ्रेड का नाम चेंज कर सकते मान लीजिए मैंने इसका नाम रख दिया सपोज फर्स्ट थ्रेड ठीक है और इसके बाद फिर मैंने आफ्टर चेंज मैंने इस थ्रेड का नाम देखा

ज्वाइन मोड का मतलब यह है जब तक थ्रेड खत्म नहीं होगी तब तक मेन वापस नहीं आएगा लेकिन मैंने कहा अरे काम करो ज्वाइन के पहले मुझे यह बताओ मेरी थ्रेड का अलाइव स्टेटस क्या है ठीक है मतलब थ्रेड अलाइव है या नहीं है तो आपने लिख दिया m1. there is a method called is alive m1. is alive तो इज अलाइव मेथड से आप अपनी थ्रेड का करंट अलाइव स्टेटस देख सकते हैं राइट इसके बाद मैंने यहां पे आफ्टर जॉइन अलाइव स्टेटस देखा राइट कि पहले और बाद में तो पहले मुझे जो स्टेटस मिलेगा वो ट्रू मिलेगा लेकिन इसके कंप्लीशन के बाद मुझे इसका स्टेटस फॉल्स मिलेगा समझ में बात तो मेथड विल एक्चुअली शोज द स्टेटस ऑफ द थ्रेड तो इसको थोड़ा सा समझो थ्रेड आपने स्टार्ट की अब आपकी थ्रेड ज्वाइन मोड में चल रही है मतलब जब तक ये कंप्लीट नहीं होगी जब तक अगली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी तो अगली लाइन एग्जीक्यूट हुई और अगर फॉल्स आया इसका मतलब है कि आपके थ्रेड अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करके डेड मोड में जा चुकी है राइट तो आप देखिए अगर मैं इसको रन करता हूं तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा मुझे थ्रेड का रिजल्ट मिलेगा देखिए पहले तो ट्रू मिला मतलब माई अलाइव स्टेटस इज ट्रू ठीक है देन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन फिर फॉल्स मिलेगा फिर मैसेज मिलेगा मेन माई थ्रेड ये देखिए माइ थ्रेड एंड्स फॉल्स मेन थ्रेड एंड्स तो ये फॉल्स इंडिकेट कर रहा है कि आपकी थ्रेड ने अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लिया है एंड देन आफ्टर यू विल गेट अ मैसेज एम वन डॉट इज अलाइफ का फॉल्स मैसेज तो ये मेथड के बारे में आप समझिए इज अलाइव मेथड हमने देखी गेट नेम सेट नेम मेथड हमने देखी करेंट थ्रेड डॉट गेट नेम करेंट थ्रेड इज अ अड वो रिटर्न द ऑब्जेक्ट ऑफ द करेंट थ्रेड करेंट थ्रेड का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगी आपकी करेंट थ्रेड मैथ ठीक है स्लिप मेथड के बारे में मैंने आपको बताया ज्वाइन मेथड के बारे में मैंने आपको बताया कि ज्वाइन मेथड का क्या यूज है स्लिप मेथड का क्या यूज है जब आपको टाइमिंग किसी थ्रेड को रोकना है तो ज्वाइंट मेथड को हम यूज करते हैं सॉरी स्लिप मेथड को हम यूज करते हैं जब आपको लगता है कि एक थ्रेड जब तक चल रही है बाकी की सारी थ्रेड अपना एग्जीक्यूशन स्टॉप कर दें तो हम उस थ्रेड को ज्वाइंट मोड में रन करते हैं ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो इंटरव्यू में पूछे गए वट डू मीन बाय ज्वाइन मोड वट इज द नीड ऑफ स्लिप मोड स्लिप मोड में जब आप टाइम देते हैं वो टाइम कड मतलब

ठीक है एंड देर आर लॉट ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स राइट जो कि आप वहाँ पे देखेंगे सिंक्रोनाइजेशन विच इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंटरव्यू रूम के सिंक्रोनाइज ब्लॉक क्या होता है सिंक्रोनाइज मैथड क्या होती है ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स आपको वहाँ पे मिलेंगे तो चलिए फिर मुलाकात करेंगे और बात करेंगे ऐसे ही कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय